असाइनमेंट बनाने से लेकर असाइनमेंट सबमिशन तक और असाइनमेंट सबमिट करने के बाद अगर आपका असाइनमेंट अपडेट नहीं होता है तब क्या होगा और आपका असाइनमेंट कब अपडेट होगा, ये भी सब इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को असाइनमेंट पेपर कौन से यूज़ करने हैं। तो आप लोग ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया है कि आप लोग कैसे असाइनमेंट पेपर यूज़ करेंगे। ठीक है, आज के आप लोगों को असाइनमेंट बनाने के लिए ये पेपर यूज़ करना है, और अगर आप लोग ये पेपर के बजाय कोई दूसरा पेपर यूज़ किए हैं फिर भी वो चलेगा, क्योंकि इग्नू के बहुत सारे रीजन सेटर में गाइडलाइंस आई थी कोरोना की वजह से या फिर ऐसे ही किसी कारण की वजह से, अगर किसी पेपर को खरीदने में सक्षम नहीं है इन तरह के पेपर के, A4 साइज की शीट्स को खरीदने में आपके पास जो भी पेपर हैं उनमें आप बना दीजिए, तो उन तरह की गाइडलाइंस के कारण आप किसी भी पेपर में बना सकते थे और अभी भी बना सकते हैं। तो इग्नू ऐसे भी इस तरह के दबाव नहीं डालती है कि आप ऐसे पेपर यूज़ करें या फिर नहीं करें, आपको इन पेपर्स में बनाना है। और इन पेपर्स को आप देख सकते हैं, ये प्रिंटिंग पेपर्स हैं, ये प्रिंटिंग पेपर होते हैं, A4 साइज़ के होते हैं, इनमें आपके असाइनमेंट बहुत अच्छे बनते हैं, इसीलिए आपको ये A4 साइज़ के जो पेपर हैं इनमें बनाने हैं। ये A4 साइज़ के होते हैं और सादे और प्लेन अच्छे होते हैं। इन पेपर्स की बजाय आप लाइन वाले पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये सादे पेपर्स हैं, इनकी बजाय आप लाइन वाले पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, आपके असाइनमेंट रिजेक्ट नहीं होंगे। आपको इनको बाइंड करने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर एक एक छेद करना है, उसमें धागा डालकर इनको बाइंड करके सबमिट कर देना है। और फाइल्स के बारे में भी अभी मैं बताऊंगा कि आपको फाइल्स इसमें लगानी है कि नहीं लगानी, कौन सी लगानी, क्या लगानी, सब बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को फ्रंट पेज कौन सा यूज़ करना है। तो फ्रंट पेज आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो दूंगा फ्रंट पेज वो ज़्यादा सही रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से अपनी सारी डिटेल्स उसमें डाल सकते हैं। अब मैं आपको फाइल के बारे में बताता हूँ कि आप लोगों को फाइल लगानी कि नहीं। तो आप लोग अगर लगाना चाहें फाइल तो लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आप सबमिट करने जाएंगे, जैसे ऑफलाइन आप अगर सबमिट करते हैं, जैसे अगर आपका ऑफलाइन होगा, अभी इसके बारे में भी बताऊंगा कि आप लोग को ऑफलाइन बनाना है या फिर ऑनलाइन बनाना है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग ऑफलाइन सबमिट करने जाएंगे, माना आप लोग का ऑफलाइन ही सबमिट करने का है, तो अगर आप लोग ऑफलाइन सबमिट करने जाएंगे तो आप लोग इसमें फ़ाइल नहीं लगाएंगे, ज़्यादातर चांसेस में आप लोग फाइल नहीं लगाएंगे, क्योंकि फ़ाइल से जहाँ पर ये सबमिट होगा वहाँ पर फाइल्स ही बहुत सारी हो जाएंगी, तो उनका वो फाइल से ही सब स्टोरेज भर जाता है, तो इसीलिए वो फाइल्स में नहीं लेते हैं। असाइनमेंट जो आप लोगों ने बनाए हैं उनमें दो छेद करेंगे, उसमें दो धागे आपको डालने हैं और उन धागों को आपको बाइंड कर देना है, बस इतना करके वहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा पेज पहले लगाना है, कौन सा पेज बाद में लगाना है। तो सबसे पहले नंबर पर तो आपका रहेगा फ्रंट पेज, जो आपका नाम होगा, जिसमें जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना वो फ्रंट पेज, इस फ्रंट पेज को आपको सबसे पहले नंबर पर लगाना है, जिससे जो भी आपका असाइनमेंट चेक करेंगे उनको पता रहेगा कि आप लोगों का यही असाइनमेंट है। वो जो असाइनमेंट चेक करने वाले होते हैं वो आपके असाइनमेंट के फ्रंट पेज से ही पहचानेंगे कि ये आपका असाइनमेंट है, और ये जितने भी पड़े हैं ये आपके सारे असाइनमेंट हैं, उन सभी को अपडेट करेंगे। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर होती है आपकी आईडी, जिससे उनको ये पता रहेगा कि आप इग्नू के स्टूडेंट हैं। मतलब पहले नंबर पर आपका फ्रंट पेज होगा नाम वाम वाला जो भी है, इनरोलमेंट नंबर नाम वाला, और दूसरे नंबर पर आपका आईडी कार्ड रहेगा, और तीसरे नंबर पर रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर्स, जिससे अगर आप आंसर में अगर क्वेश्चन नहीं भी लिखते हैं और डैश डैश करके लिख देते हैं तो उनके नंबर आप अगर डाल देंगे तो उससे उनको ये पता रहेगा कि ये क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को उसी में क्वेश्चन पेपर से वो पढ़ सकते हैं। इसलिए आपको तीसरे नंबर पर क्या लगाना है, क्वेश्चन पेपर लगाना है, और क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद में आपको लास्ट में सबसे आखिर में लगाने हैं अपनी आंसर शीट, जो आपने असाइनमेंट राइट किए हैं उनको आपको लगाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग को ऑफलाइन सबमिट करना है कि ऑनलाइन सबमिट करना है। तो ये आपके स्टडी सेंटर पर डिपेंड करता है कि वो आपका जो भी असाइनमेंट है वो ऑफलाइन ले रहा है या फिर ऑनलाइन ले रहा है। सबसे पहले तो आपका ये रीजनल सेंटर पर डिपेंड करता है कि वो ऑनलाइन लेगा कि नहीं लेगा, और अगर वो ऑनलाइन आपके असाइनमेंट सबमिट कर ले रहा है तो फिर आपके स्टडी सेंटर पर डिपेंड होता है कि वो असाइनमेंट सबमिट करने के लिए ऑनलाइन प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे या फिर आप उनके स्टडी सेंटर पर जा कर के और अपने असाइनमेंट सबमिट करें, यानी ऑफलाइन प्रोसीजर। तो आपके स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर पर ही डिपेंड होता है कि वो आपके असाइनमेंट ऑफलाइन लेंगे या फिर ऑनलाइन। और अगर बात करें कि ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिशन की, तो ये मेनली डिपेंड होता है आपके स्टडी सेंटर पर। आप स्टडी सेंटर में ही जाकर के अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे, रीजनल सेंटर में नहीं। रीजनल सेंटर में
असाइनमेंट तब सबमिट होंगे, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आप रीजनल सेंटर में कब असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आपके मेनली असाइनमेंट स्टडी सेंटर पर ही सबमिट होंगे, तो आपको स्टडी सेंटर पर ही जा करके सबमिट करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि आप लोगों का ग्रेड कार्ड कब अपडेट होगा। जैसे आज अगर आपने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया तो आप लोगों को ग्रेड कार्ड यानी आपका जो भी उसके नंबर हैं आपको कब मिलेंगे, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इग्नू का सिस्टम थोड़ा अलग है और सबका, और सारी यूनिवर्सिटी जितनी होंगी उनका सिस्टम अलग होगा, लेकिन इसका बहुत स्लो सिस्टम है। इग्नू में असाइनमेंट अपडेट होते होते एक साल भी लग जाता है। आपका असाइनमेंट इस साल अगर आपने जमा किया है तो आपका असाइनमेंट नेक्स्ट ईयर, शायद नेक्स्ट ईयर तक हो जाए, शायद आपका असाइनमेंट नेक्स्ट ईयर तक अपडेट हो जाए। यानी इसका धीरे धीरे अपडेट करते रहते हैं वो लोग, जब जानते हैं कि आप लोग का असाइनमेंट उनके पास पहुंच जाता है, जब वो देखते हैं तब उसको अपडेट करते हैं। और अगर बाय चांस आपने जो 6 महीने पहले या फिर 1 साल पहले जो असाइनमेंट सबमिट किए थे वो अगर अपडेट नहीं हुए, तो आप लोग को उनको अपडेट करवाने के लिए अपने रीजनल सेंटर में सबमिट करना है। तो अभी मैंने बताया था ना कि कब किस स्थिति में आप रीजनल सेंटर में असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, तो यही वह स्थिति है जब आप रीजनल सेंटर में अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। आई थिंक आपको इस वीडियो में अपने असाइनमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी कि आपका असाइनमेंट कब सबमिट होगा, कैसे करना है, कैसे बनाना है असाइनमेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अन्य स्टूडेंट को भी शेयर कर दें, जिससे हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। Thanks for watching.